तो जैसे कि आपने बोला कि कैंसर आजकल बहुत कॉमन है और काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों का लाइफस्टाइल हो उससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो हम इसको जल्दी से डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कैंसर का अर्ली डिटेक्शन ही इम्पोर्टेंट है। जितना जल्दी डिटेक्शन होता है उतना जल्दी उनका रिकवरी और ट्रीटमेंट होता है। सो बहुत सारे कैंसर है जो हम लोग सब स्क्रीनिंग, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट से अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोई टोबेको च्यूअर है तो उनका माउथ एग्जामिनेशन, हाँ रेगुलर माउथ एग्जामिनेशन से हम माउथ कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फीमेल के अंदर मेमोग्राफ रूटीनली करने से ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन हो सकती है। सेम सर्वाइकल कैंसर फीमेल के अंदर पैप स्मियर से भी डिटेक्ट हो सकता है। सो करेक्ट ये सारी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम रूटीनली करने से कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। करेक्ट और बाद में जब पेशेंट को अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के उनका टेस्ट करने से कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। ओके तो जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर हसमुख ने अच्छी टिप्स दी है कि हाउ टू डिटेक्ट कैंसर अर्ली। सो लेट अस नो फ्रॉम हिम कि व्हाट इज ब्लड कैंसर। या बेसिकली ब्लड कैंसर इट इज़ अ वन टाइप ऑफ कैंसर जो बाकी कैंसर से डिफरेंस रहता है, क्योंकि बाकी कैंसर्स के जैसे मैंने बताया कि देर आर अ रीजन्स फॉर ओरल कैंसर, देर इज इट अकर्स इन पेशेंट टोबेको टोबेको च्यूअर। बट ब्लड कैंसर में ऐसा नहीं है। लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, हाँ लिवर कैंसर हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, लेकिन ब्लड करेक्ट कैंसर का कोई रीजन नहीं है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके ब्लड कैंसर जो है, हमारा ब्लड जो रहता है उनका सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन से होता है, तो उनका कोई फिक्स रीजन नहीं है। ओके बहुत सारे ब्लड कैंसर है, मैं अगर आपको नंबर्स में बताऊँ तो ऑलमोस्ट 150 टाइप्स के ब्लड कैंसर ओ हैं। ओके हाँ तो जैसे कि हमने देखा कि ब्लड कैंसर का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, बट अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसको सिम्टम्स क्या होते हैं, चिन्ह कौन से हो सकते हैं उसके, तो उसके बारे में अभी जानेंगे डॉक्टर हसमुख से। बेसिकली ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को द मेजोरिटी को सिम्टम्स होता है फीवर, वेट लॉस, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। और बेसिकली जब ज़्यादा हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो पेशेंट को थकान लगती है, फटीग। सो ज़्यादा पसीना होना, थकान लगना, दे आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। और करेक्ट कोई पेशेंट्स को अगर वो लिम्फोमा है हाँ तो लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाती है, सो दे फील दैट ओके देर इज सम स्वेलिंग ओवर द बॉडी। तो ओके दिस आर द कॉमन सिम्टम्स फॉर ब्लड कैंसर्स। ओके ओके काफी सारे व्यूअर्स को ऐसा मालूम नहीं होगा कि ब्लड कैंसर ट्रीटेबल है कि नहीं है, ऐसे कोई थेरेपी होती है कि नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, ब्लड कैंसर इज एब्सोल्युटली क्योरेबल। मैंने ओके पहले भी बताया कि टाइप्स के हिसाब से उनका क्योर रेट डिफरेंट रहता है। 50% टी सेल लिम्फोमा है तो 50% क्योरेटिव है, और ओके अगर ALL और वो सब है तो ऑलमोस्ट 95% क्योरेबल है। सो ओके ब्लड कैंसर क्योर हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से क्योर हो सकता है। ओके और उनकी जो ट्रीटमेंट आती है, आप जैसे बाकी कैंसर की तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मोडालिटी है ऑलमोस्ट सेम रहता है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, और इफ़ रिक्वायर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो ओके दिस आर द ट्रीटमेंट फॉर द ब्लड कैंसर, और वो ट्रीटमेंट करने से ऑलमोस्ट 95% ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल। करेक्ट सो वी जस्ट हर्ड फ्रॉम हिम दैट ब्लड कैंसर इज ट्रीटेबल, इट इज क्यूरेबल, एंड देर आर वेरियस मोडेलिटीज, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है। सो काफी लोग, डॉक्टर हसमुख, मैंने देखा है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज जब होता है, कोई भी ब्रांच हो, न्यूरो का हो कि हेमाटोलॉजी का हो, दे टेंड टू गो आउट ऑफ सूरत टू मुंबई और अहमदाबाद। तो आपसे जानना चाहूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सूरत में पॉसिबल है कि नहीं, और ब्रोन एंड BMT क्या है? या बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर द ब्लड कैंसर। सो सूरत के अंदर ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोथ आर पॉसिबल। जो भी इंडिया के अंदर और इवन आई कैन से इन वर्ल्ड जो भी ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर का हो रहा है वो सब सूरत में पॉसिबल है। और आप जैसे बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर जो पेशेंट्स ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से काम नहीं चलता है या फिर वापस डिजीज आता है, एक बार क्योर हो गया और वापस आता है, तो हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑप्शन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स के जो सेल्स होते हैं, जो मैलिग्नेंट सेल्स, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं विथ कीमोथेरेपी एंड कंडीशनिंग रेजिमेन। एंड जो हेल्दी डोनर रहता है, जिसके सेल्स हेल्दी है, फाइन है, उनको हम बोन मैरो, लाइक उनका बोन मैरो लेके पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। सो इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कैंसरियस और कैंसरियस स्टेम सेल विद द हेल्दी हेल्दी स्टेम सेल्स सेल। इट इज़ अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इट इज़ नॉट सर्जरी, इट इज़ ओके वन टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ऑल राइट और आप मैं ये इज इट रूटीनली सूरत में या कर इट इज रूटीनली पॉसिबल टिल डे वी एज यू सेड वी हैव डन 95 बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन सूरत ऑल्सो। ओके ओके
सो व्यूअर्स, आपने देखा कि 75 BMTs इनकी टीम कर चुकी है. सो ये ट्रीटमेंट मोडलिटी सूरत में अवेलेबल है, एंड आपके या आपके रिलेटिव्स में किसी को भी इसकी ज़रूरत हो तो फील फ्री टू कंसल्ट डॉक्टर हसमुख एंड हिज टीम. सो डॉक्टर हसमुख, हम न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट को भी काफ़ी कभी कभी ओपिनियन से रेफरेंस के लिए बुलाया जाता है इन पेशेंट्स ऑफ हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज. सो व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड कैंसर्स? सो बेसिकली जब ल्यूकेमिया रहता है, सो ल्यूकेमिया के अंदर CNS इन्वॉल्वमेंट रहता है, करेक्ट, वो टाइम पे हमें न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. और आपको पता हो CNS लिम्फोमा, सो इट इज अ कैंसर ऑफ ब्रेन, वो टाइम पे हमें हम कीमोथेरेपी वगैरह तो देते ही है, बट साथ में हमें न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. और स्पाइन के जो मल्टीपल माइलोमा है, स्पाइन के जो लिम्फोमास है, वहाँ पे भी हमें बहुत बहुत बार टाइम हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट के साथ टीम में वर्क करते हैं. तो ये दो तीन टाइप बहुत सारे हैं, बट ये कॉमन है, यहाँ पे हम न्यूरोलॉजिस्ट के हम टीम में रखते हैं और हमारा ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है. करेक्ट करेक्ट. सो न्यूरोलॉजी अगर इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूरो नर्वस सिस्टम बेसिकली, तो उसको सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या फिर स्पाइन का MRI, CSF स्टडीज, और अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो EEG, ये सब टेस्ट करके हम ये पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं.